हरू तो अपने बिस्तर में होता है जहाँ पर वो रिलैक्स कर रहा था। साथ ही वो अपने फादर के बारे में सोच रहा था क्योंकि ये टाइम उनके ट्रेनिंग का है। रुतो के फादर कभी इस टाइम को मिस नहीं करता है, तो इसके बाद आज ऐसा क्या बात है। लेकिन जो भी हो, इससे मुझे ही आराम मिलने वाला है और इसके कारण ही हरू तो हैप्पी था। लेकिन इसके साथ ही हरू तो जाना चाहता है ऐसा क्या बात है जिसके कारण हरू तो का फादर आज ट्रेनिंग के लिए नहीं आ पाए। खैर इसके बाद वो जाने के लिए बाहर आ चुका था। हरू तो देखता है जो लोग उनके फादर के लिए काम करते हैं उनका हाल बहुत बुरा हो चुका था। वो लोग बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी इधर का माहौल बहुत अलग होता है। हरू तो इस सीन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो आ चुका था अपने फादर के पास और उसके बाद वो कहता है ये सब क्या है और ऐसा आपके साथ कैसे हुआ। जहाँ पर हरू तो का फादर का हाल भी बहुत बुरा होता है और वो अपसेट लग रही थी। खैर इसके बाद हरू तो का फादर कहता है इधर बहुत सारे थीव्स आए थे, उनका बहुत सारी बातें था जहाँ पर इन सब को मैंने मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था जहाँ पर मैं इसको हार गया और इसके कारण मुझे माफ कर देना। लेकिन तो तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, यानी इसके बाद तुम अपने घर में जाने वाले हो। जानता हो आज तुम्हारा क्लास था लेकिन आज मैं उधर नहीं जा पाऊंगा और इसलिए मुझे माफ कर देना। साथ ही ये जो हमारे साथ हो रहा है ये बहुत बुरी बात है और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और इसको तुम्हें बोलना होगा। खैर इसके बाद हरू तो इधर से जाने लग गया था जहाँ पर हरू तो भी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो अपने लोगों का हालत बहुत बुरा था और उसके बाद हरू तो अपने हीलिंग मैजिक यूज कर देता है। हरू तो का मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए वो सारे लोग बहुत इजीली सही हो चुके थे और इसीलिए वो लोग हैप्पी होता है। खैर इसके बाद हरू तो के पीछे फ्लाई होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे आप अब क्या करने वाले हो, क्योंकि जहाँ तक ये निशन वाला बात है इसीलिए हम लोग इधर कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर इससे हरू तो गुस्सा हो चुका था, वो फ्लाई को कहता है ऐसा कोई बात नहीं है और उसके बाद वो अपने रूम में आ चुका था और ऐसे ही रात हो जाता है। हरू तो अपने रूम में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने फादर की बात को सोच रहा था। उसके फादर के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये उनके राज्य के लिए साथ ही उनके फैमिली के लिए बहुत बुरा बात। हरू तो को बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर इसके बाद वो सोच रहा है और इसी बीच उसके रूम में कोई आ गया था। हरू तो देखता है ये थी फ्लाई जो की हरू तो के रूम के आगे होती है। खैर इसके बाद हरू तो कहता है वैसे इतनी रात को तुम इधर क्या कर रही हो। फ्लाई कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने आपको जो कहा था वो गलत है। और उसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करता है जहाँ पर हरू तो जान गया था फ्लाई इधर ऐसे ही आई है। खैर इसके बाद फ्लाई कहती है वैसे अब आप क्या करने वाले हो, यानी उन सारे थीव के बारे में आपने क्या सोचा है। हरू तो कहता है उनके लिए मैं काम कर सकता हूँ और उसके बाद वो दोनों ऊपर आ चुके थे। हरू तो अपने मैजिक के हेल्प से उन सारे थीव को देखने लग गया था जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होता है, यानी वो लोग बहुत हैप्पी थे। इस सीन को देखकर हरू तो को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है हरू तो सबको चलाने वाला है और ये काम फ्लाई करेगी। फ्लाई इसके लिए एग्री होती है और उसके बाद वो दोनों जाने लग गए थे जहाँ पर वो लोग एयर में होता है, यानी हरू तो ने अपने मैजिक पावर यूज किया था जहाँ पर वो लोग ऐसे ही जा रहे होता है। और इस सीन को चार देख लेती है, वो रात को जगी हुई थी और वो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। खैर इसके बाद हरू तो और फ्लाई आ जाते हैं उसी प्लेस में जहाँ पर पार्टी हो रहा था। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते एक बेस में, इधर तीन लोग एक साथ बातें कर रही थी। आज उन लोगों ने जो किया इसके लिए वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो लोग बातें कर रही थी इसके बाद वाला प्लान इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उनको आज अपना एक ओपनिंग मिल गया जो की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद वाला प्लान इससे भी ज्यादा ऊपर वाला होगा। वेल वो लोग ड्रिंक भी कर रहे होता है और इसी बीच इधर हरू तो आ चुका था। वो बीच में कहता है वैसे जो तुम लोगों ने मेरे फादर के साथ किया वो अच्छा नहीं था और इसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर इस बात को सुनकर उनमें से एक बंदा बहुत गुस्सा हो चुका था, वो कहता है वैसे भी तू क्या ही कर सकता है और उसके बाद वो गाली देने लग गया था। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर हरू तो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है तुमने अपना मुंह खोला और इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है। हरू तो उस बंदे को बहुत इजीली पे लेता है और इस सीन को देखकर बाकी सब लोग डर चुके थे। इसके बाद हरू तो कहता है मैं तुमसे क्वेश्चन करने वाला हूँ और इसका आंसर अगर तुम लोग सही दे देते हो तो इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं कहने वाला, लेकिन अगर तुम लोग जो कहने वाले हो तो तुम्हारा भी हाल वैसा ही होने वाला है। बंदे का हाल जिसको हरू तो ने पेला था बहुत बुरा हो चुका था और उसको देखकर वो लोग डर जाते हैं। और इसके बाद वो लोग कहते हैं हम तुम्हें सब कुछ सही कहने वाले हैं। और इसके बाद हरू तो कहता है तो तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया था, साथ ही तुम लोग आगे क्या करना चाहते हो। और उसके बाद वो लोग साफ कह देते हैं उनके पास वाले राज्य ने उनके ऊपर अटैक किया था, यानी उन्होंने हमें पैसा दिया अटैक करने के लिए और इसीलिए हम लोगों ने अटैक किया और इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं जानते। बात को सुनकर हरू तो कहता है लेकिन मुझे और भी ज्यादा जानना है, साथ ही मुझे क्या पता तुम लोग सही हो या फिर नहीं। और इसके बाद ही वो सारे बंदे कहते हैं हम लोगों ने तुम्हें कहा था हम लोग सच्ची तुम्हें बताने वाले और यही सच है,
बाकी इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं जानते। तो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैंने मान लिया, तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ और करने वाला हूँ, यानी मैं तुम्हें चलाने वाला हूँ। अरुतो की बात को सुनकर वो सारे बंदे बहुत डर चुके थे और इसके बाद वो लोग कहते हैं लेकिन हम लोगों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो इसके बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। हारुतो कहता है लेकिन जो तुम लोगों ने मेरे फादर के साथ किया था इसको मैं नहीं भूल सकता और इसका रिवेंज मुझे लेना ही होगा। और इसके बाद वो फ्लाई को कहता है तुम अपना काम करो। आगे आ जाती है और उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था। खैर इसके बाद वो अपना अटैक कर देती है, वो प्लेस जलने लग गया था। खैर इसके बाद वाले सीन में फ्लाई और हारुतो दोनों बाहर आ रहे होते हैं जहाँ पर उनके पीछे एक बहुत बड़ा आग लगा था। फ्लाई ने पूरी जगह को ही आग लगा दिया था जहाँ पर वो सारे बंदे एक साथ पार्टी कर रही थी। तो अपने एक बात में बिजी होता है और उसको देखकर फ्लाई कहती है मास्टर आप किसके बारे में सोच रहे हो। तो कहता है मुझे अभी बहुत सारे बातें जानना है अपने पास वाले नेशन के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मैंने जान लिया उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करते हैं और इसके बाद ही सीन आता है इसके बाद वाले दिन में जहाँ पर हारुतो के फादर के पास एक बंदा आ चुका था और उसके बाद वो कल रात वाले सारे हादसे के बारे में कह देता है। उधर आग कैसे लगा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक बात तो क्लियर है उस हादसे में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और जो बच गए हैं उनको कस्टडी में लिया गया है। इसी बात को सुनकर हारुतो के फादर कहता है तुम इधर से जा सकते हो और उसके बाद वो उन सारे बंदे के बारे में सोच रही थी। इसको देखकर चार कहती है वो सारे बुरे बंदे हैं तो उनके बारे में सोचकर क्या फायदा होने वाला है। और उसके बाद ही हारुतो के फादर कहते हैं तुम सही हो मैं भी उसके बारे में नहीं सोच रहा। और उसके बाद वो सोच रहे थे वो आग इधर कौन लगा सकता है, जहाँ पर वो जान गई थी वो फ्लाई हो सकती है क्योंकि उसके पास ही ऐसा पावर था। खैर इसके बाद चार इधर से जाने लग जाती हैं। किंग कहता है चार अगर तुम खेलने बाहर जा रही हो तो इस बात का ध्यान रखना तुम्हारे साथ कोई होगा, ये टाइम बहुत डेंजर है तो इसलिए कोई भी अटैक कर सकता है। और उसके बाद चार कहती है हाँ मैं इसका ध्यान रख लूंगी। इसके बाद चार हारुतो के पास आने लग जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। चार ने हारुतो को रात को उड़ते हुए देख लिया था तो उसके कारण वो जानना चाहती है वो हारुतो या फिर कौन है। इसके बाद वो रास्ते में मिल जाती है फ्लाई के साथ और उसके बाद वो अपना बात बता देती है, कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हारुतो कोई और है। और उसके बाद ही चार कहती है क्योंकि कल रात को मैंने देखा था हारुतो उड़ रहा है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास इतना माना नहीं है और इसीलिए मैंने उसको चेक किया था और मुझे पता चला वो अपने रूम में ही था जहाँ पर वो सो रहा है लेकिन उसके पास अपना डार्क पावर माना नहीं था। सारा बातें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ असली बात क्या है, यानी हारुतो कौन है, साथ ही उसके पास असली पावर कितना है। और उसके बाद ही आई कहती है ये बहुत इम्प्रेसिव बात है यानी आप उसके पावर को देख, लेकिन हारुतो का जो असली पावर है इसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और कहती है लेकिन मुझे उसके असली पावर के बारे में जानना है। और उसके बाद आई कहती है लेकिन जो उसका असली पावर है इसको कोई भी नहीं बता सकता, यानी मास्टर का पावर बहुत है। इसके बाद फ्लाई आ जाती है हारुतो के पास और वो सारी बात को बता रही है, यानी चार को हारुतो के बारे में थोड़ा पता चल गया और ये हारुतो के लिए अच्छा बात नहीं था। खैर इसके बाद वो सोच रहा था इसके बाद वो इससे भी ज्यादा अच्छा करने वाला है, यानी सब कुछ अलर्ट रखेगा ताकि चार को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बात करता है। रात को हारुतो सुसु करने के लिए बाहर आ चुका था और उसके बाद वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उसे पता चल जाता है उसके पीछे चार है। चार हारुतो को फॉलो कर रही थी तो उसके कारण हारुतो सोचता है ना जाने ये लड़की क्या करने वाली है, मुझे उसको बुलाना होगा और उसके बाद मैं सारा बात बता दूंगा, यानी वो मेरा पीछा क्यों कर रही है। इसके बाद हारुतो पीछे मुड़ता है और उसके बाद वो चार को बुलाता है चार तुम इधर क्या कर रही हो, चार तुम इधर क्या कर रही हो। और उसके बाद चार इधर से भाग जाती है जहाँ पर हारुतो कुछ भी नहीं कह पाता। और इसके बाद हारुतो आ जाता है नहाने के लिए जहाँ पर वो कहता है इधर वो नहीं आ सकती, यानी मैं इधर फ्री हूँ। और उसके बाद हारुतो अच्छी तरह से नहा रहा होता है लेकिन इसके बाद ही वो देखता है जहाँ पर चार उसको इधर भी देख रही थी। इस सीन को देखकर हारुतो को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने बहन को कुछ कह भी तो नहीं सकता तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। ऐसे बहुत टाइम चला जाता है, यानी बहुत सारे दिन आ जाते हैं जहाँ पर चार हमेशा हारुतो के पीछे होती है। हारुतो जो करता है उसके पीछे चार थी, वो हारुतो को एक अलग ही तरीके से फॉलो कर रही थी जहाँ पर इससे हारुतो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वेल ऐसे बहुत दिन चला जाता है। खैर इसके बाद एक दिन वो लोग इसके बाद वाले सीन में वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हारुतो का फादर कहता है क्या तुम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हो। और उसके बाद हारुतो की मदर हाँ कहती है। तो कहता है वैसे आप कहाँ जाने वाले हो। और उसके बाद हारुतो का फादर कहता है एक एनुअल फेस्टिवल आने वाला है जहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा और इसलिए वो और चार एक साथ जाने वाली है। हारुतो कहता है अगर ऐसा बात है तो आप लोग अपने साथ फ्लाई को भी ले जाइए। और उसके बाद हारुतो की मदर कहती है मैं भी ऐसा ही सोच रही थी लेकिन फ्लाई मुझे बहुत टाइम से नहीं दिखी, लगता है वो तुम्हारे कोई काम में बिजी है। और उसके बाद हारुतो जान गया था
फ्लाई उस एरिया के सारे मॉन्स्टर को डरा रही थी ताकि वो लोग अटैक ना करे। खैर ऐसे वो लोग बातें करते हैं, चापर हरुतो कहता है आप सेफली उधर जाइएगा और उसके बाद ही उनका जर्नी स्टार्ट हो चुका था। वेल हरुतो की मदर और चार एक साथ जर्नी कर रहे होता है और इसी बीच उनके ऊपर अटैक हो चुका था। बहुत सारे लुटेरे जंगल में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ पर यह अटैक जानलेवा था। चार के पास जो सारे गार्ड थे वो लोग इस अटैक से बच नहीं पाते, यानी वो लोग मारे जाते हैं और उसके बाद वो सारे लुटेरे चार को भी मारना चाह रहे थे। सीन को देखकर हरुतो की मॉम चार को लेकर इधर से भाग जाती है, यानी वो लोग एक साथ भाग रही थी। लेकिन अब भी वो सारे लुटेरे उनके पीछे होता है, यानी उनका टारगेट थे वही दोनों थे, तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा भागते हैं। और उसके बाद वो लोग आ चुके थे केप में। हरुतो की मॉम इधर आकर हैप्पी होती है, लेकिन इसके बाद वो जान पाती है इधर भी वो लोग सेफ नहीं है, यानी अगर वो इधर से नहीं जाएगी तो इसके बाद चार भी इधर मारी जा सकती है। ऐसा वो कभी होने नहीं देगी और उसके कारण ही वो बाहर आ जाती है चार को इधर रखकर। चार कहती है वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन हरुतो की मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम भी बाहर जाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे तुम्हें सेफ रखना होगा और इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे तुम प्रॉमिस करो तुम इधर ही रहने वाली हो। चार अपनी मॉम की बात को मान लेती है और उसके बाद ही चार की मॉम बाहर आ चुकी थी। वो जान पाती है ये केव एक इल्यूजन है, यानी इसके अंदर कोई भी जा सकता है। इसके बाद वो सारे गुंडे इधर भी आ चुके थे और उसको देखकर चार की मॉम कहती है मुझे इन सबको रोकना होगा, अगर मैं इधर से भाग गई तो इसके बाद वो सारे लोग केव में जाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। वो सारे गुंडे क्वीन को इधर भागकर बहुत हैप्पी थे और उसके बाद वो लोग हंसने लग जाते हैं और इस सीन को देखकर चार की मॉम अपना नाइफ निकाल लेती है और उसके बाद वो अपने आप को मारने वाली थी, यानी वो सुसाइड करने वाली होती है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हरुतो। हरुतो के आने से पहले चार की मॉम बेहोश हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो अपनी मॉम को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उन सारे गुंडों को एक साथ पेल लेता है। चार केव के अंदर थी लेकिन वो हरुतो की बात को सुन लेती है और उसके बाद चार बाहर आ जाती है। हरुतो को नहीं पता था चार इधर है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है ना जाने चार कहाँ पर मिलने वाली है और मैं इधर आया इसके बारे में उसको नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन इसके बारे चार कहती है हरुतो तुम इधर आ चुके हो और इसको देखकर हरुतो जान गया था वो इधर फंस गया है। खैर इसके बाद चार कहती है वैसे क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो, तो अपने मन में कहता है ना जाने ये मुझे अब क्या बुला रही है। लेकिन इसके बाद वो ये भी पता कर लेता है यानी अगर वो इसके साथ ज्यादा टाइम खेलेगा तो हो सकता है इसके बारे में वो बाहर जाकर ना बोले और इसलिए वो कहता है हाँ मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। बात को सुनकर चार बहुत हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम्हारे बारे में मेरी माँ ने मुझे बोला था, तुमने हमारा हेल्प किया था और इसलिए बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम्हारे पास बहुत पावर है, यही बहुत बड़ी फूल थी जो कि तुम मेरे पास ही हो, यानी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, इसके बारे में मुझे पहले पता चल जाना चाहिए था लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं पता था। तो कहता है कोई बात नहीं है लेकिन जो भी हो इसके बारे में तुम्हें बाहर नहीं बोलना और इसके लिए मां चाहती है। खैर इसके बाद सीन आता है रात का, तो के फादर को भी पता चल गया था उनके वाइफ के ऊपर साथ ही चार के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन इसके बाद वो इस बात को भी जान लेता है उस अटैक में उन दोनों का कुछ भी नहीं हुआ था। चार ने बोला है कि हीरो ऑफ जस्टिस नाम का कोई बंदे ने उनको बचाया था, कि इसके बारे में किंग को पता नहीं है, साथ ही वो आगे क्या करना चाहता है उसका मोटिव क्या है। खैर इसके बाद इधर हरुतो भी आ चुका था और उसके बाद वो कहता है मुझे भी उसके बारे में जानना है, वैसे मुझे लगता है वो एक अच्छा बंदा है, वो हमारे साइड में है क्योंकि इसके पहले भी जो उसने किया था वो हमारे लिए ही था। इसके बाद हरुतो के फादर और हरुतो एक साथ बात करता है और इसी बीच उनका मॉम और चार इधर आ चुकी थी। वो दोनों अच्छी हालत में होता है और उसके बाद चार आ जाती है हरुतो के पास और वो हरुतो को हग कर देती है। सीन को देखकर हरुतो की मॉम और डैड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और उसके बाद वो दोनों कहते हैं ये चार क्या कर रही है। चार कहती है मैं चौथी हो सकती हूँ लेकिन यही सबसे अच्छा टाइम है, यानी मैं इसके बारे में जान चुकी हूँ और मुझे हरुतो बहुत ज्यादा पसंद है, और इसके बाद वो फिर से हग करने लग जाती है। चार पर इस सीन को देखकर हरुतो हैप्पी था क्योंकि फाइनली चार उसकी प्यार में आ चुकी है जो कि उसके लिए बहुत अच्छी बात था। वेल इस सीन को देखकर फ्लाई गुस्सा होती है और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे अगर अब तक एपिसोड को देखा है तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, साथ ही XX0 लिखना मत भूलना क्योंकि ये आज का कोड है जो कि मैं जान पाऊंगा तुम लोगों ने अब तक ये वीडियो देखा है। बाकी मिलते हैं इसके 12वें एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।